नमस्कार, डेढ़ वर्ष से बीएड से संबंधित आज की ताजा खबर। आज हम बात करेंगे डेढ़ वर्ष बीएड केस का फाइनल डिसीजन कब तक आ सकता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जैसे कि आपको पता है, डेढ़ वर्ष बीएड केस की सुनवाई लंबे समय से चल रही है। डीएड व बीएड दोनों डिग्रीधारी इस बात को लेकर चिंतित है, जहां बीएड डिग्रीधारियों की गलती ना होने पर भी वह इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि सरकार ने फार्म डलवाए, उन्होंने फार्म डाले और उन्होंने तैयारी की और जॉब प्राप्त की और वह वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, फिर भी उनकी तैयारी का फल मिलने के बावजूद उन्हें चिंता सता रही है। वहीं बात करें डीएड डिग्रीधारियों की, तो डीएड डिग्रीधारी इसलिए चिंतित है क्योंकि जिन्हें उसका अधिकार मिलना नहीं चाहिए था, वह इसका अधिकार पा रहा है। जिसे इसका फल नहीं मिलना चाहिए था, वह इसका फल भोग रहा है, और जो इसका वास्तविक अधिकारी था वह बाहर बैठा हुआ है। तो दोनों इस बात से चिंतित है, कहीं ना कहीं दोनों के मन में इस बात को चिंतित है। बीएड वालों को चिंता है कि कहीं उन्हें जॉब से बाहर ना निकाला जाए, और डीएड वालों को चिंता है कि उन्हें कब उसका अधिकार मिलेगा। तो कब तक इसका फाइनल डिसीजन आ सकता है? तो संभवतः फरवरी व मार्च में इसका फाइनल डिसीजन देखने मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी 2024 को इसकी सुनवाई होना है और स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। जब भी स्पेशल बेंच का गठन होता है, अधिकांशतः उस मामले में जो फाइनल आदेश होता है उसी तारीख को अनाउंस कर दिया जाता है, कहने का तात्पर्य उसी तारीख को मिल जाता है। यदि 19 फरवरी को इसकी सुनवाई कंप्लीट होती है, किसी प्रकार की कोई डेट नहीं बढ़ती है, तो 19 फरवरी को इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। और 19 फरवरी को जब इसका फाइनल डिसीजन आएगा, तो 26 फरवरी को एमपी हाईकोर्ट भी इसका फाइनल डिसीजन दे देगी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त होगा। और इस कारण से यह फरवरी में अधिकतम चांस है कि फरवरी 19 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा, और यदि डेट बढ़ती है तो मार्च में संभवतः पूर्णता क्लियर होने के चांस है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।